lot of outlets जहाँ पर आप jobs कर सकते हो. Local shops भी होती हैं, like कोई restaurant पाकिस्तानी या Indian या बांग्लादेशी कुछ भी इस तरह से भी मिल जाती हैं. लेकिन अगर आप McDonald's वगैरह में try करो ना, तो McDonald's में ज़्यादा easy मिल जाती है, जो मैंने अभी तक देखा है. McDonald's all the time होता है ना, तो लोगों को hire करके वहाँ ले जाते हैं काम के लिए, है तो इस तरह से है. So you can just apply for that and believe. Hello, assalamu alaikum. This is me, Amin. Welcome back to my channel. Welcome to one more video. And this video is very special for those guys जो या तो December intake में आ गए हैं, September intake में आ गए हैं, या फिर जो January intake में आए हैं, या May intake में आगे आ रहे हैं. This is going to be very helpful for you guys. So please make sure you watch this video till the end, because I am making this video with so much sincerity. Yes, because I can understand the pain you guys go through after coming here. UK आ जाना तो आसान है, आपको यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे देती है, आपका वीज़ा भी हो जाता है, बट यहाँ आके जॉब ढूंढना इज द बिगेस्ट स्ट्रगल यू हैव टू गो थ्रू. yeah? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो देर इज़ अ गाय ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट वांट टू मेंशन योर नेम, बट honestly I'm making this video specially for you, because I know that the way you were telling me that you are here like itni der se and you haven't got any and you have to pay the university and this and that, so don't worry, just watch this video and make sure you do exactly the same thing I tell you. yeah, so the thing is I ke karna kya hai jab aap yahan aa rahe hain, aapne make sure karna hai ki aap पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी आ रहे हैं, येस यू हैव टू मेक श्योर यू शुड हैव अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी गुड CV रेडी, ऑन विच यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, योर एजुकेशन, योर कोर्सेज इफ़ यू हैव डन एनी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. येस आपने हर तरह की एक एक CV बना के रखनी है. लाइक हर तरह से इसलिए बोल रही हूँ, लाइक इफ़ यू हैव प्लान्स टू वर्क इन एनी रेस्टोरेंट, यू मस्ट हैव दैट इज लाइक 4 रेस्टोरेंट्स. लाइक यू शुड हैव मेंशन द कोर्सेज इफ़ यू हैव डन इन कल्नरी आर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, यू मस्ट हैव मेंशन दोज कोर्सेज इन देयर, एंड देन योर एनी एक्सपीरियंस इन एनी रेस्टोरेंट और समथिंग. येस बिलीव मी, टू गेट एनी kind of like certificates Pakistan se mushkil kaam nahi hai, you can get them. yeah, then it comes if you have plans to work like hotel management, you must have those like documents ready, you must have a very good CV ready. yes, then it comes to if you have like any experience, this on this topic I have made an other video as well, jo maine pehle post ki thi, mujhe lagta hai kisi ne dekhna bother nahi kiya, but is your choice. yeah, so the point is if aapne like online kaam kiya hua hai pehle Pakistan mein bhi, like aapne fine aapne freelancing ki hui hai, digital marketing ki bhi hai, ya phir social media marketing ki hui hai, then you must have a CV ready for that. yes, phir aapne karna kya hai, agar aap like for example ab jo aa gaye hain, ye point unke liye nahi hai, ये पॉइंट उनके लिए जिन्होंने आगे मई में आना है या फिर जनवरी, लाइक अभी जनवरी चल रहा है, लाइक जनवरी में आने हैं, कुछ भी इस तरह से. यस, सो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ आने से पहले ही आप अपनी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ग्रो करें, और इसके अलावा इंडीड ऐप है, इंडीड डाउनलोड करें, और जो लोकेशन आपकी लाइक आपने डिजायर्ड लोकेशन है, जहाँ पर आपने सोचा है कि आपने यहाँ के अकोमोडेशन लेनी है, या यूनिवर्सिटी के पास जो भी आपकी लाइक है जगह, आप उस जगह को टारगेट करके वहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई करना पाकिस्तान से ही शुरू कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट जॉब इन UK. यस दिस कम्स लाइक यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में हायरिंग होती रहती है, स्टारबक्स है, कोस्टा है, लाइक KFC, देर इज़ अ लॉट ऑफ आउटलेट्स जहाँ पर आप जॉब्स कर सकते हो. लोकल शॉप्स भी होती हैं, लाइक कोई रेस्टोरेंट पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी कुछ भी इस तरह से भी मिल जाती हैं. लेकिन अगर आप मैकडोनल्ड्स वगैरह में ट्राई करो ना, तो मैकडोनल्ड्स में ज़्यादा इजी मिल जाती है, जो मैंने अभी तक देखा है. मैकडोनल्ड्स ऑल द टाइम हायरिंग कर ही रहा होता है. यस, और अगर तो आप लाइक महीना दो महीना पहले आ रहे हो, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है, आप फुल टाइम काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ही स्टार्ट हुई. आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि हमें टर्म लेटर दे दो, वो आपको जब टर्म लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, देन यू कैन वर्क फॉर फुल टाइम, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू. या देन इट कम्स टू
एक तो आपने ये काम करना है, इंडीड करना है आपने, डाउनलोड आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है अपनी, उसके अलावा आपने जो भी लाइक ऑनलाइन पोर्टल्स हैं मैकडोनल्ड्स के, KFC के, स्टारबक्स के, जितने भी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, डोंट गो ऑन द फेक वंस प्लीज, गो स्ट्रेट ऑन टू देयर ऑफिशियल वंस. यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है www.mcdonalds.co.uk. यस, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू लाइक डू द हायरिंग थिंग. उनका एक प्रॉपर फॉर्म होता है, यस, उस प्रॉपर फॉर्म को आपने एंड तक फिल करना है. यार मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने मैकडोनल्ड्स में अप्लाई किया था बट हमारा गो थ्रू नहीं हुआ. तो बाद में पता चला है जी जनाब ने आधा फॉर्म फिल किया, आधा फॉर्म फिल नहीं किया. सो यू हैव टू मेक श्योर, वहाँ पे बहुत लेम क्वेश्चंस भी हैं, आपसे पूछते हैं आप मैकडोनल्ड्स को कैसे हेल्प करोगे, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मैकडोनल्ड्स, आपको मैकडोनल्ड्स में काम करके क्या फ़ायदा मिलेगा, वेरी लेम क्वेश्चंस. बट बिलीव मी, गो ऑन टू ChatGPT, कॉपी एंड पेस्ट द क्वेश्चन, गेट द आंसर, फिल द फॉर्म एंड जस्ट डू इट. यस, सो मेक श्योर करना है कि एंड तक, फिर वो आपको वॉक इन इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं. यस, वॉक इन इंटरव्यू पे जाने से पहले आपने दो डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखने हैं. आपने यूनिवर्सिटी को पहले ही बोल देना है कि आपको वो दे दें. एक तो आपका NI नंबर हो गया, वो तो यूनिवर्सिटी से कनेक्शन नहीं है. दूसरा आपका टर्म लेटर. टर्म लेटर के अंदर मैंशन होता है कि आप कब कब काम कर सकते हो, कब कब काम लाइक आप पार्ट टाइम करोगे. सो फिर एक चीज़ आपने और करनी है. यस, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है. मुझे भी जॉब ऐसे ही मिली है, मुझे भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिली है, लेकिन मुझे मैकडोनल्ड्स में भी जॉब मिली थी लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं की. तो करना क्या है, आपने सबसे पहले तो जहाँ पर आप जा रहे हो रहने के लिए, आपने जाते ही सबसे पहले बताना है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, लाइक शॉप्स हैं या कोई ऑफिस हैं या कुछ भी है. जस्ट गो देयर एंड टेल देम लाइक फॉर्म, कैजुअली जाओ और बताओ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना. वो नखरे करेंगे, लेकिन आपको जॉब चाहिए तो आपको उनको लाइक फोर्स करना पड़ेगा. आप उनको मेक श्योर करो, आप अपना फ़ोन देकर आओ और बार बार कह कर आओ कि प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए, हो तो मुझे बताना. यस, सो यू हैव टू डू दिस. या बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी, क्योंकि आपने काम करना है, काम करके पैसे देने हैं, फ्री में पैसे नहीं मांग रहे होंगे. सो यू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर द वन हु हैव टू फोर्स देम टू गिव यू अ जॉब. या अच्छा, उसके बाद एक और आता है. अच्छा, दिस इज़ अ थिंग मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, लेकिन जस्ट टू मेक यू गाइज मोटिवेटेड मैं आज यहाँ पर बता रही हूँ. जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ आके क्लीनर की जॉब भी की. यस, क्लीनर की जॉब मुझे कैसे मिली थी, इस तरह से है कि यहाँ पे है रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं. यस, कुछ एजेंसीज जो हैं, अगर आप गूगल पर टाइप करो ना रिक्रूटमेंट एजेंसीज हायरिंग फॉर जॉब्स, अच्छा ये ऐसे करती हैं कि ये आपको लाइक हर महीने, मतलब ऐसे नहीं है कि आप परमानेंट इनके एम्प्लॉय बन जाते हो, लेकिन लाइक ये आपको हायर कर लेती हैं सेवरल आवर्स के लिए और फिर आपको आवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब मिल जाती है. ये वाली जॉब तो आपको आसानी से मिल जाती है. यस, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं. लाइक आपने जस्ट उस एजेंसी के साथ एक मरतबा जॉब करनी होती है. मैं ना कुछ एजेंसीज मेंशन भी कर दूँगी लिंक में. मैंने ना एक एजेंसी में काम किया था, TPI एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, मैं नाम भूल गई हूँ. मैं ना ऐसे करूँगी कि मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर जो है वो नाम वगैरह लिख दूँगी, या कुछ अच्छी एजेंसीज रिसर्च करके जो अच्छा पे करती हूँ, लाइक मोर देन 11 pounds या 12 pounds पर आवर, मैं उनको मैंशन कर दूँगी ताकि आप लोग देख लें. अच्छा, फिर इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देती हैं. ये एजेंसीज आपको ले जाती हैं जहाँ पर काम होता है, वहाँ जाके आप काम करो और आप लाइक आर्ली आपको पे करती हैं और मतलब अच्छा काम होता है. यस, मैं जब यहाँ आई थी मैंने आके क्लीनिंग की जॉब की थी. ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था कि काम कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता, तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया. और यहाँ आके किसी भी तरह का कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए. यस, मुझे वो काम करना पड़ा, मैंने वो काम किया, तो आज जो मैं काम कर रही हूँ उसके लिए मैं अल्लाह ताला के लिए से ग्रेटफुल हूँ. सो मेहनत में कोई शर्म नहीं. आपको किसी भी तरह की जॉब मिले, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू मेक योर मनी टू डू एक्सपेंसेस, टू पे योर फी एंड टू डू एवरीथिंग. यस, सो बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करनी है. और मज़े की बात यह है कि ये NI की ही जॉब होती है. ये एजेंसीज आपको NI पर ही काम देती हैं और अच्छा पे करती हैं. और प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप
को एक हफ्ते में लाइक ज्यादा आवर्स मिल रहे हैं काम के, अगर आप वो आवर्स कर लो तो ये डिवाइड करके अगले हफ्ते पे मतलब 20-20 करके उसको पूरा कर देती हैं, ठीक है। ये हो गई, सही है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन वगैरह, तो यहाँ पर जो कुछ वेबसाइट्स हैं हायरिंग की जो आपको ऑनलाइन हायर करते हैं जस्ट फॉर वन और टू प्रोजेक्ट्स और उसके लिए अच्छा पे करते हैं। मैंने ये किया है, मैंने किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की थी थोड़े अरसे के लिए, दे पेड मी गुड। सो वो वेबसाइट है JOOBLE जूबल है UK, उस पर भी मैंने अपनी CV ड्रॉप की थी। उसके अलावा मैंने जो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताई हैं उसका नाम है TPI, यस, और ये डिफरेंट पार्ट्स में है UK के। उसके अलावा आप वैसे भी अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी लिखो ना और उन्हें कॉल करके बताओ दैट आई नीड अ जॉब आई कैन डू लाइक, तो ये ऐसे करते हैं लाइक कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है ना तो लोगों को हायर करके वहाँ ले जाते हैं काम के लिए, या सो इस तरह से है। सो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर दैट एंड बिलीव मी अगर आप इन तीनों चारों चीज़ों पर अमल करो आपको जॉब मिल जाएगी और ज़रूर मिलेगी, यस। सो डोंट वरी, मैंने आपने जहाँ मैकडोनल्ड्स के लिए अप्लाई करना है मैं उसका लिंक, KFC के लिए अप्लाई करना है उसका लिंक, स्टारबक्स, कोस्टा, जितने भी इस तरह के लाइक हैं मैं उन सब के लिंक्स ड्रॉप कर दूंगी अपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अलावा मैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज के लिंक्स भी ड्रॉप कर दूंगी और वेबसाइट्स जहाँ पर आपने ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर वो भी सब मैं कर दूंगी, यस। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस टू यू, एंड बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल Whenever you need me, and best of luck. Milenge ab next video mein. Jab tak ke liye, Allah Hafiz. Take care. Bye bye. And